तो गाइज ये रहा फ्लाईओवर के ऊपर का कुछ नज़ारा। यहाँ पे ये फ्लैट्स बने हुए हैं, पूरा खाली दिख रहा होगा आपको कि अभी डॉक्टर साहब नीचे चले गए तो मैं भी नीचे जा रहा हूँ। कहते हैं हम गरम ओवन, ये रहा हमारा गरम करने के लिए, तो खाना लाया जाए। और अभी बजे हैं 5:10 और अभी ऑफिस से निकले हैं, अभी जा रहे हैं दीदी घर, और फिर कल दीदी के घर से होके आते हैं, फिर ताजी रात में पास जाएंगे हम पलोड़ा। और ये अभी पलोड़ा क्रॉस किया और अभी हो गया अंधेरा और लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन हो चुका है। चलते हैं अभी, ये टांग मेरे छोड़ेगा तो ही निकलेंगे हम जल्दी, ठीक है ना? सुन रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं? हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। और सुबह हमारी ड्यूटी है, आज हम निकल चुके और रात को ना कसम से बहुत लेट हो गए थे और मजा भी आया। सैटरडे सबसे पहला पॉइंट, उसके बाद हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई, स्विच ऑफ हो गया था। तो उसके बाद हम दिखा नहीं पाए, घर भी पहुंचे, फिर हमने रास्ते पर रात को हमने मतलब कि 1 बजे घर पहुंचे। हाँ, 1 बजे और फिर सोते 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 2:30 बज गए क्योंकि सौरभ 2:30 बजे आया, तो फिर उस चक्कर में काफी लेट हो गया। फिर सुबह से ड्यूटी थी, अगर छुट्टी होती तो रिलैक्सेशन अच्छी होती, लेकिन जो कल एंजॉय किया मतलब कि सुगंधा शर्मा के गानों पे जो नाचे, बहुत ही मतलब कि जबरदस्त मजा आ गया। पहुंच भी चुके हैं ऑफिस में और गाइस आज संडे है और संडे के दिन देखते कब हम आपको टाइम मिलता है। टाइम तो हमें सिर्फ लंच करने ही मिलेगा, आई थिंक 3:30 बजे करीबन, 3:30 3:30 ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो समय हम आपसे मिलते हैं और देखते हैं आज का दिन और संडे कैसा जाता है, कैसा नहीं रहता है संडे। तो हे गाइस, अभी हुआ हूँ फ्री, मॉर्निंग में ऑफिस में पहुंच गए थे क्योंकि जैसे आपने देखा ही कविता ने दिखाया था आपको, तो ऑफिस में पहुंचने के बाद इतने बिजी हो गया आज, इतना रश था संडे को कि क्या ही बताऊं। तो अभी हुआ हूँ फ्री, अभी बज गए हैं 3:45, तो 3:45 बजे समझ लो कि फ्री हुए हैं। अभी मेरे जो जिस सेक्शन पर मेरी ड्यूटी थी उसका अभी क्लोजिंग हो चुका है, पूरा खाली दिख रहा होगा आपको क्योंकि अभी डॉक्टर साहब नीचे चले गए तो मैं भी नीचे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जाने से पहले आपको बता दिया जाए कि रात का शो जो था ना भाई साहब, तगड़े वाला शो था। रात को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी उसमें ना लाइव था, ये था वो था। तो जैसे ही एंड हुआ उसका फ़ोटोशूट किए वो करना था, तो वो भी स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। उस चक्कर में मैं व्लॉग वापस उसके आगे नेक्स्ट शूट कर नहीं पाया, तो आज सुबह से स्टार्ट किया। आज आपको कल वाला व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, क्योंकि कल बहुत मस्ती हमने की वहाँ पे, सब ने मस्ती की क्योंकि सुनंदा शर्मा आए हुए थे, साथ में सौरभ था, हिमांशु था, हैप्पी था और पूरे जो उनके सिस्टर्स फ्रेंड्स सब थे। तो बहुत मज़ा आया कल, कैसा लगा हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा वो बताना। तो चलो अभी चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। और गाइस रात को मैं 2:30 बजे सोया हूँ और सुबह 6 बजे उठा हूँ, मुझे पता कि मैं कैसे उठाऊँ सिर्फ 4 घंटे की नींद करके। तो 4 घंटे की नींद में सोच लो कि कैसी हालत होती है। अभी मुझे नींद आ रही है लेकिन अभी 5 बजे तक ऑफ नहीं हो सकता, 5 बजे निकलेंगे, जब निकलेंगे तब मिलते हैं फिर आपको आराम से, क्योंकि जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर जाएंगे देखते हैं दादा दादू से मिलने जाना है तो उनके पास से भी ओके आएंगे। तो चलो अभी चलते हैं फिर बाद में मिलते हैं। तो गए अभी हुए हैं फ्री और अभी आए लंच करने, और लंच करने के लिए आए तो देखो हमारे दादा साहब कैसे बैठे हुए हैं, ये देखो दादा आज क्या चक्कर है यार, पूरा हॉल खाली है, आप भी वेले बैठे हो, शंटी भैया भी नहीं है कैंटीन में, कोई क्या चक्कर है? हैं तो शिमला मिर्च काटी हुई, तो मतलब कि कुछ ना कुछ बनाने के लिए रखा है। देखो चाय चढ़ाई है, बाकी क्या बनाने, गोभी भी है इधर पड़ी हुई, क्या बनाने की सोचा हुआ है? बस मैगी के लिए। अच्छा मैगी के लिए, फिर अगर बनाया था। हाँ ठीक है भैया, पर अभी हमने मैगी नहीं खानी, पर ये टेबल साफ कर दो ठीक है, हमने खाना खाना है। तो चलो गाइस खाना खाते हैं फिर चलते हैं नीचे, फिर जाएंगे जब कहीं आगे पीछे तो फिर देखेंगे। तो चलो अभी पहले लंच जरूरी है, और हो कितने बजे रहा है? 3:15 बजे। दादा आज लेट हो गए हम लोग, सच में आज लेट हो गए। तो चलो गाइस पहले खाना करते हैं हम गरम ओवन, ये रहा हमारा गरम करने के लिए, तो खाना लाया जाए। तो विमल जी बाय बाय, अंकल सर तो जा रहे हैं, बाय। तो गाइस गाड़ी इतनी यहाँ पे लगी, यहाँ से निकालनी पड़ेगी मुझे, बटन प्रेस करो
करो प्रेस, नहीं हो रही। तो गाइस गाड़ी के मैंने वाइपर ऊपर किए थे, क्यों? क्योंकि डस्ट पड़ी हुई थी इस वजह से। तो ये लो जी, अपना वाइपर कर दिए नीचे, तो चलो चलते हैं अभी। तो गाइस अभी हो गया ऑफ और अभी बजे हैं 5:10 और अभी ऑफिस से निकले हैं। अभी जा रहे हैं दीदी घर और फिर पहले दीदी के घर से होके आते हैं, फिर दादी दादू के पास जाएंगे, वहां से होके तो वापिस घर पे आएंगे। तो चलो अभी निकल गए हैं यहाँ पे। और आज मौसम भी ऐसा ही है, बाहर बादल टाइप लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है आज, उतनी गर्मी नहीं है आज। तो चलो मिलते हैं आपको रास्ते में। और ये ट्रॉली वाला कहाँ आ गया बीच में भाई साहब, सरिया लेके। कहाँ जा रहा है ये? कहाँ बीच में आ रहा बाबा? और ये रहा वे मॉल। तो अच्छा जब भी पहुंचे हैं विक्रम चौक। और ये देखो, ये मेरे को बाजू पे बाजू मारे जाने के रहे, मुझे रखने दे यहाँ पे पाँव, हाथ सॉरी। और अभी सिग्नल में 18 सेकंड्स हैं उसके बाद ही। और ये रहा विक्रम चौक एलईडी, और अभी आजकल बंद है, बंद है आजकल ये आपको वैसे ही दिखनी। और चलो गाइस 4 सेकंड हो गए, तो यस। तो गाइस दादी दादू से मिलने के बाद अभी जा रहे हैं पुरखू, और अभी पुरखू के लिए रेडी निकल चुके हैं। और अभी पहुंचे हैं हम पलोड़ा, और ये अभी पलोड़ा क्रॉस किया है और अभी हो गया अंधेरा और लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन हो चुका है। अभी बड़ी देर के बाद इवनिंग का सफर हम इस रोड पे कर रहे हैं। क्यों? नहीं, हम शादी में आए थे ना 12 तारीख। हाँ शादी को मैं आए थे, 12 तारीख को मुठ्ठी तक गए थे, तब हम फ्लाईओवर के ऊपर से गए थे ना। नहीं, नीचे से कहाँ आए थे हम? यस नीचे से। तो गाइज अभी आज हमने जाते हुए फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है वापस, अगर कोई किसी को रास्ते में छोड़ना ना पड़े या कहीं जाना ना पड़े तब। तो अभी देखते हैं कि अभी हमें पुरखू यहाँ से लगेंगे हार्डली 5 या 7 मिनट, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तो मेंटेन 40-50 है, तो इसमें एवरेज भी अच्छी देती है, इसलिए मेंटेन चलाना चाहिए और स्लो चलनी चाहिए और ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए। तो चलो गाइस हम पहुंचे हैं दीदी के घर पे, और अंदर शायद जयकारा चल रहा है। हम बस जी नहीं जा रहा, वो तो कीर्तन लगा हुआ है, अंदर कीर्तन चल रहा है। क्या हाल चाल? कीर्तन हो गया खत्म, अब कीर्तन वालों से मिला गया। लाओ जी। नहीं नहीं मैं अंदर, ये रात है साड़ी भी नहीं सोने में आऊंगा जी, ये आखरे नहीं मैं आ रही हूं। नहीं नहीं बोलना, नहीं बोलना, हम नीचे पहुंचे थे। देखो आ रही है, चुप जनाब जी, सोए पड़े हैं इधर। तो गाइस अभी आए थे दीदी के घर पे और यहाँ पे देखो खाना आ गया, और खाना खाने के लिए देखो कौन आया अभी मेरे पास। क्या खाना है तूने? चावल खाने, फुल्का खाना, क्या खाना है बोलो। और गाइस आज ये ना इसने स्कूल से फर्स्ट प्राइज लाया है, और ये कल लेने जा रहा है फर्स्ट प्राइज। क्या जीता तूने? वो ड्राइंग, ड्राइंग में फर्स्ट आया है। वाओ कांग्रेचुलेशन। बोलो मुझे प्रिंसिपल ने फोन किया था, बोलो। अब कल जाएगा ना, कल जाएगा ना लेने, हैं? कल जा रहा है तो कल अपनी वीडियो भी बना के लाना। बोलो मैम मेरी वीडियो बनाओ मुझे वो देते हुए, ठीक है? नहीं तो फोटो लाना, ठीक है? अपनी क्लास से फर्स्ट आया है, ठीक है? ठीक है, हाँ फोटो लेके आना, मैं जरूर देखूंगा। तो चलो अभी खाना खाया जाए, ठीक है? तो चलो खाएं, करो स्टार्ट, करो स्टार्ट, ठीक है।
तो गाइज मैं देखो घर जाने लगा हूँ और इसने मेरी टांग कैसे पकड़ी हुई है। श्वेता दीदी याद करे थी यार। यस श्वेता दीदी ने भी याद है। तू छोड़ ना मेरी टांग, मैं तो जाऊँ। याद है ना श्वेता दीदी? छोड़ ना टांग, मैं जाऊँ। श्वेता दीदी याद है? याद है उसको, याद सब याद है उसको। वो भी मिस कर रही थी, कहती मैं आ रही हूं, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। गाइस ये देखो, ये छोड़ ही नहीं रहा, मैंने मेरी टांग पकड़ ली है। अंगद की टांग नहीं है, छोड़ दे की टांग है ये। अंगद की मेरी टांग नहीं, कुछ छोड़ रहा। चल छोड़ दे, मैं जाऊं। चलेगा मेरे साथ? मेरे साथ चलेगा? चले 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 चले। तो चलो गाइस चलते हैं अभी, ये टांग मेरी छोड़ेगा तो ही निकलेंगे हम जल्दी, ठीक है ना? सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहे हैं? अभी डिनर विनर करके अच्छे से एकदम पेट फुल हो गया और अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। और बहुत ही आज मतलब कि जो आज दिन की जो मतलब कितनी भाग दौड़ हुई थी ना, मतलब कितना काम के लेके स्ट्रेस, सिर दर्द सुबह से लेके, तो अब भी जाके ना रिलैक्सेशन हुई है रेस्ट करके, बात बूत करके, मतलब कि एक दूसरे से मिलके। पहले हम दादू दादी के घर गए, फिर वहां पे भी मतलब कि कजिन्स वगैरह आए थे, तो मतलब उनसे मिलके, और उन्होंने भी आज आलू वाली पूरी बनाई थी। yes. तो वो भी खा के बहुत मजा आया, अच्छी बनी हुई थी। फिर उधर से आके दीदी के घर गए, यहाँ पे भी मतलब कि मजा आ गया। आर्यन तो पहले सोया हुआ था लेकिन फिर उठा, वो फिर उसे भी मिल लिया, तो कैसा अभी रहा? टांग ही नहीं छोड़ रहा था। हाँ क्योंकि अभी वो मतलब मूड में आया था तो इसलिए। तो अभी हम निकल चुके हैं, अब अपनी ही लाइन में सीधे हम छन्नी जाके रुकेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि ना आज अभी का टाइम, रात को भी हमें 1 बज गया था, कल भी अभी भी 9:30 हो चुके हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 बज गए। 1 बज गया था वैसे, नींद पड़ी, वैसे सौरभ आया 2:30-3 बजे, फिर वैसे उठे, फिर वो भी आया, तो फिर मतलब कि सुबह फिर से मैं 6 बजे उठी, तो मतलब कि मेरी टोटल 2 घंटे की नींद हुई होगी, 3 घंटे की टोटल। आपने अपने फिर 4 घंटे कर ली थी? मैंने नहीं की थी, वो किसी ने 5 घंटे पूरी अपनी नींद कर ली थी, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं की हुई है। तो मैं टेस्ट करूंगी जब घर जाके अपने आराम से। तो चलो चलो अभी दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। और अभी कुरकुपी रोड देखो, कुरकुपी रोड ना अभी बनी नहीं है वैसे, बेसिकली देखा जाए ना अभी ऐसे ही है, मतलब बनी है बट खराब हो गया आई थिंक बारिश के कारण ना। तो मुझे लगता है सरकार को फिर से, अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो सरकार को फिर से रोड बनानी चाहिए पुरखू वाली। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे रास्ते में, मिलेंगे फ्लाईओवर पे जरूर। अगर मुझे आइसक्रीम मिल गई तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी उस समय मिलेंगे आपसे, देखते हैं। तो गाइज अभी पहुंचे हैं हम मुठी, और अभी का टाइम हो चुका है पूरे 20 मिनट कम 10, मतलब कि अभी 9:40 हुए हैं, 10 मिनट ही हमें लगे हैं यहाँ तक। और ये रहा अभी फ्लाईओवर पे चढ़ना है हमने, यहाँ से दिखाते हैं आपको फ्लाईओवर भी। ये रहा फ्लाईओवर, क्योंकि अभी हमें नीचे से नहीं जाना, अभी हमें फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। 5 मिनट लगेंगे, कितना टाइम? फ्लाईओवर से हमें 5 मिनट लगेंगे जीवल पहुंचने में, ओनली 5 मिनट्स। ये फ्लाईओवर की रात की कुछ लुक्स हैं। तो गाइज ये रहा फ्लाईओवर के ऊपर का कुछ नज़ारा, यहाँ पे ये फ्लैट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे सामने ये वाला साइड आ गई पूरी, शक्ति नगर रिजॉर्ट, तोफ शेर खानी, ये सारा इधर चला गया। और फ्लाईओवर से देखो गाड़ियाँ किस स्पीड में जा रही हैं, हम तो अपनी 1060 में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो लोग क्या किस स्पीड में जा रहा है वो। तो गाइज अभी पहुंचे हैं हम कुछ ऐसी जगह पे, और गेस कर सकते हो कहाँ पहुंचे हैं, और एक ही जवाब आता है माता रानी जी का नाम लेके, जय माता दी। तो ये रहा माता रानी जी का दरबार जहाँ पे हम कल गए थे, और अभी हमें जाना सीधा छन्नी के लिए।